चलिए एनी हो। अच्छा वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू नो दैट फ्रॉम द लास्ट डेट्स ऑफ द मंथ आई डोंट नो द डेट एग्जैक्टली योर प्री बोर्ड आर गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड दिस टाइम इन योर प्री बोर्ड पेपर यू विल बी गेटिंग चॉइस एज वेल द सेम पेपर फॉर्मेट यू विल बी गेटिंग एज यू आर गोइंग टू फेस इन द बोर्ड एग्जाम राइट सो चॉइस विल बी देयर कीप वन थिंग इन माइंड दैट जो भी आपने क्वेश्चंस करने हैं मान लो आपने जैसे 20 क्वेश्चन सेक्शन ए 20 क्वेश्चन सेक्शन बी एंड 10 क्वेश्चन सेक्शन बी और आपको 16 सेक्शन ए में से करने हैं 16 सेक्शन बी में से एंड 8 यू विल डू फ्रॉम सेक्शन सी अब आपने ये आप दोनों ना प्लीज यहाँ से सेपरेटेड हो जाओ नहीं आप लोगों को नहीं मतलब बिल्कुल भी वो कि हम ना हंसे क्लास में अखिलेश उठ जाओ वहां से चल चल उठ फटाफट से जल्दी नहीं रोज डांटना मुझे अच्छा नहीं लगता उठो वहां से उठो आप बताती हूँ कहाँ पे एक जो आप उठ जाओ वहां से आदो उधर अलॉन्ग विद योर बैग क्योंकि आप दोनों का रोज का ही मतलब हो गया कि हमने हंसते ही रहना है पूरी पीरियड कोई काम की बात बता रहे हो तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जल्दी जल्दी टाइम नहीं है इतना हमारे पास गेट अलोंग एट द कॉर्नर दोज आर सिटिंग टू ऑन अ बेंच चलिए सो सेक्शन ए में से आपने 16 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में से सेक्शन सी में से अब द प्रॉब्लम इज मान लो आपने सेक्शन ए में से क्वेश्चन नंबर 12 किया तो आपने 12 पे सर्कल कर दिया दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपको 13 नहीं आता आपने 14th करना है तो आप 13 के जो सर्कल्स हैं उनको शेड ना करते हुए 14 पे अपनी शेडिंग करोगे ठीक है मान लो आपने 18th तक क्वेश्चन किए और आपके 16 क्वेश्चन सेक्शन ए के कंप्लीट हो गए ठीक है 18 तक आपने किए 18 में से आपने आपके 16 कंप्लीट हो गए मतलब कि आई मीन टू से कि आपने दो छोड़े हैं बीच में से मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ दिया और क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दिया और आपके 18 तक 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपने 19th 20th भी कर दिया आपका 19th 20th क्वेश्चन कोई भी चेक नहीं करेगा प्लीज मेक इट श्योर जो फर्स्ट 16 क्वेश्चन आपको आते हैं वे ही करने हैं ये ना हो कि आप कहो कि यहाँ तक मेरे 14 चलो अगर आपके यहाँ तक मान लो आपके यहाँ तक 14 हुए 18th क्वेश्चन तक आपने 14 क्वेश्चन किए हैं बीच में 4 छोड़ दिए फिर आपका 19th 20th आपने किया हुआ फिर काउंट हो आई मीन टू से दैट कंजेक्टिवली 16 क्वेश्चंस विल बी चेक्ड आपने इसलिए अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज करते हुए 16 क्वेश्चन जब हो गए 19th 20th को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट सेम गोज विद सेक्शन बी You whatever 16 first questions you will attempt only that those will be checked 19th 20th आपने कर लिया पर आपके 16 काउंटिंग पूरी ऊपर ही होगी तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे सेकेंडली जो आपकी केस स्टडी है केस स्टडी 10 मार्क्स की आएगी 5 will be carried by case study 1 and 5 will be carried by case study 2 suppose that you know the answers of all the questions of case study 1 5 questions आपको आते हैं पांचों के पांचों आपने कर दिए जरूरी नहीं है कि चार इसमें से करने चार इसमें से करने पांच आपने इसमें से कर दिए अगले तीन आपने इसमें से कर दिए तब भी आपके 8 जो हैं वो काउंट हो जाएंगे सपोज आपको पहले में से केस स्टडी में से एक क्वेश्चन नहीं आता आपने इसके 4 किए तो आप इसके भी 4 ही करोगे तब आई मीन टू से कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के कोई नंबर नहीं मिलने वाले तो जो आपने सीक्वेंस में फर्स्ट 16 और फर्स्ट 8 कर दिए दे विल बी सफिशियंट टू परफॉर्म अदरवाइज यू विल वेस्ट यूर टाइम इन दैट केस एंड मोर ओवर देखो अब 20 क्वेश्चन में से हमने 16 करने 4 क्वेश्चन की चॉइस है जब आपको 10 मिनट मिलने हैं पहले पेपर पढ़ने के लिए आप फटाफट से अपने क्वेश्चन पेपर पे ये टिक कर लो कि मैंने ये क्वेश्चन करने हैं ये क्वेश्चन मैंने करने हैं वैसे तो कल के न्यूज पेपर में आया हुआ था कि भाई बाय चांस किसी बच्चे ने मान लो चारों में से ए ऑप्शन टिक कर दिया और बाद में उसको लगा कि नहीं मेरा ए ऑप्शन गलत है वो इसको चेंज करना चाहता है बिकॉज़ द आंसर एमसीक्यू शीट्स आर गोइंग टू बी स्कैन्ड सो वाइडनर और कटिंग वटिंग तो नॉट अलाउड फिर उन्होंने एक दिया हुआ है कि पता नहीं अब अभी ये इसमें कितनी सच्चाई है पता चलेगा कि एक फिफ्थ गोला भी आएगा अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आप जो करके टिक कर रहे हो वो गलत हो गया आपसे बाय चांस तब आपके पास ये फिफ्थ ऑप्शन होगा जिसमें कि आप सही वाला
अगर आपको लगता है ए बी सी डी यहाँ पे थे, मैंने ए को कर दिया पर आंसर सी सही था, तब आपने इस गोले में सी लिख दिया, तो फिर आपका ये वाला काउंट होगा। अगर बाय चांस आपको रिव्यू करते टाइम में लगा कि मेरा आंसर ये मैंने गलत मार्क कर दिया, तो दिस इज ऑल्टरनेटिव बोर्ड इज गिविंग। बाकी पता नहीं, अभी तो न्यूज़पेपर में ये सब आया है, आपकी जो 15 नवंबर के बाद आपके पेपर कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज देयर। 15 नवंबर द फाइनल पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट, 15 अक्टूबर फाइनल दे दो, पहला प्री बोर्ड बाद से दे दियो, ठीक है? यस, 15 नवंबर के बाद आपके कभी भी पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पेपर आपके स्कूल में ही होने हैं, बट द क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द बोर्ड एंड OMR sheet will be scanned by the school and will be sent to the board on the same day. That is not your worry. You have just have to see that how to attempt the question. So in making the choice, don't waste your time. 10 minute pehle aapke ye, aapne 10 minute mein ye decide kar lena hai ki ye mere 40 question hai, isme maine jaan phoon deni hai. 16 question mein jo triangle wale questions achhe se aate honge unko tick kar lena, jo nahi aate honge is triangle wale question ko usko haath mat lagana. वहां पे ज्यादा धुरंधर मत पढ़ना कि मैं ट्राई करूंगा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, कर लो फिर, ठीक है? 40 में से 16 क्वेश्चन ही करके आओगे फिर, एक में अड़े रहोगे तो, राइट? सो प्लीज, आपको एक एमसीक्यू के लिए सिर्फ हार्डली 2 मिनट मिलने हैं, तो बेटर होगा कि उस हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए। मैं तो सबसे पहले अगर जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया कि ये मेरे 16 क्वेश्चन सेक्शन ए के हैं, ये 16 बी के हैं, ये 8 मेरे सेक्शन सी के हैं, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चन को करूंगी जो कि कैलकुलेशंस बेस्ड नहीं है, जिनमें सिर्फ आंसर देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, हार्डली इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे क्वेश्चन जिनमें टाइम नहीं लगता, जिनकी सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड आप जो है कर सकते हो। इफ द लाइंस आर कॉन्सिडेंट एट व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन A1 A2 देयर कोफिशिएंट्स, फटाफट से निकल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए उनको फटाफट से पहले कर देना, और बाद में अपनी जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपके कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर वो टाइम ले गए, कोई एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला टाइम ले गया, तो आगे बैठे हुए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिमाग आपका ऐसा खराब होगा कि वो भी नहीं टिक कर पाओगे। सबसे पहले 16th क्वेश्चन की सिलेक्शन सेक्शन ए में से, 16 की सेक्शन बी में से एंड 8 की सेक्शन सी में से सिलेक्ट करने के बाद आपने टिक कर लिया अपने क्वेश्चन पेपर के कि मैंने ये क्वेश्चन करने हैं। अगर टाइम मिलता है उसी 10 मिनट में जब क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिल रहा है, देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उन पे हल्का सा निशान लगा लो अपना कि मैंने इनको पहले कर देना है। हो गए आपके क्वेश्चन वो वाले पहले, आपका टाइम ऐसे सेव हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द वे टू सेव योर टाइम, बिकॉज नो डाउट वी आर सेइंग दैट 2 मिनट्स हार्डली यू आर गेटिंग फॉर 1 एमसीक्यू, बट देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा आंसर देने में। So be very smart while doing your paper. This time you will be getting the same paper, नहीं, मतलब same pattern of paper as you are going to appear for the board exam with choice, so that you should know, you should come to know, you should practice that how to make the rule out questions and how to make the best choice. ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हम 16th question शुरू करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of the altitude. किसी को याद है मैंने altitude of equilateral triangle का आपको formula बताया था? Root 3 a over 2, है ना? Root 3 half of the side. बिल्कुल ठीक, पलक ने एक मिनट में बता दिया that root 3 into half of the side. This is the altitude of equilateral triangle. Altitude ये होता है, देखो अब इतनी इतनी चीजें अगर आप निकालने बैठ के वहां पे, जैसे कि फटाफट से मैंने कैलकुलेट की, तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा। अगर आपको याद है that altitude जो होता है root 3 into half of the side होता है, तो फटाफट से आप altitude लिख लोगे। दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, साइड और ऑल्टीट्यूड के बीच में, ये साइड है। वट ही सेज दैट प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ 1 साइड, यानी कि 3a² ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। 3 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ 1 साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ ऑल्टीट्यूड। लेट अस सी दैट 4 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ ऑल्टीट्यूड व्हाट इट इज बिकमिंग। दिस इज 4, 3a² बाय 4, दिस बिकम्स 3a², दिस इज योर RHS, एंड डोंट यू थिंक दैट बोथ आर इक्वल?
In an equilateral triangle, 3 times the square of side is equal to 4 times square of its altitude. Very important result. बहुत अच्छे से इसका एमसीक्यू एक मिनट में फॉर्म हो सकता है. सो प्लीज आपको साइड की वैल्यू दे के पूछा जा सकता है दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ऑल्टीट्यूड, व्हाट विल बी द रिलेशन, विच रिलेशन इज ट्रू. चार ऑप्शन दे के, चार एमसीक्यू दे के. सो प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. नेक्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल एबीसी. हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, मैं रैंडमली बनाने लगी हूँ बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट. आई एम टेकिंग ए टू बी 6√3, ए बी टू बी 6√3 एज गिवन, ए सी टू बी 12 एंड बी सी टू बी 6, दीज आर द साइड्स. एंड ही सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी. एंगल बी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है. सबसे पहले तो आप ये दो सारी साइड्स का स्क्वायर निकालो. 6√3 स्क्वायर, 36 × 3 कितना बना? 108. क्योंकि देखो दो साइड्स इक्वल तो है नहीं, अगर दो साइड्स इक्वल होती तो बेस एंगल इक्वल करके कुछ हो जाता, इसलिए हम स्क्वायर्स फाइंड कर रहे हैं. लेट अस फाइंड स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 12, दिस इज 144, 6 का स्क्वायर 36. एंड व्हाट यू ऑब्जर्व इज, कैन यू सी दैट स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द टू इज इक्वल टू द थर्ड? इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर, नेम लिख लो यहाँ पे, ए सी स्क्वायर एंड दिस इज बी सी स्क्वायर. So you are observing that AB square plus BC square, this is equal to AC square. AB square plus BC square is equal to AC square. और जब दो sides का square का sum तीसरी side के equal हो जाए, then what that third side is regarded as? Hypotenuse. So this becomes the hypotenuse of the triangle. और जहां पे ये वाला rule satisfied हो, that triangle is right angle triangle. And which angle is right angle? Opposite to the hypotenuse. For due to this concept, we say that angle B is 90 degree. अगर मैं पेपर सेट करूं, मैं ऐसे ही ये क्वेश्चन डाल दूं, क्योंकि अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा हुआ भी है और दूसरों को घुमा भी सकता है, तो इसलिए अच्छा है ये क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से प्लीज. अब एक चीज मैं बता दूं, टू बी वेरी फ्रेंक, ये जो 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन एक पीरियड में दो क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एक्सप्लेन द प्रूफ ऑफ ईच एंड एवरी वन. जिसका मुझे लगेगा प्रूफ रिक्वायर्ड है, आई विल डेफिनेटली टीच यू इन द क्लास. और जो मुझे लगता है सिर्फ रिजल्ट याद रखने चाहिए, विल डू इट अकॉर्डिंगली. बाकी अगर आपको लगा कि उसके भी प्रूफ आपको रिक्वायर्ड है, देन आई विल सेंड इन द ग्रुप, यू कैन रीड देम आउट फॉर योर बेटर नॉलेज. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन. We are having a triangle PQR. Very important result है ये, बहुत ज़्यादा. PQR एक triangle है, जिसमें कि vertex angle का bisector दिया हुआ है. QPR is a vertex angle, इसका bisector है PS. कहाँ गुम हो केशव ऋषि? ठीक है सब? ठीक है. PS जो है, वो angle QPR का bisector है. This condition is given to us that just वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर, नथिंग एल्स. सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, कहता इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जिस साइड पे आपका ये जो बाइसेक्टर फॉल कर रहा है, उनकी दो इंटरसेप्ट की रेशियो QS ओवर SR, दिस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टू आर्म्स ऑफ द एंगल. कौन सी आर्म्स है? PQ/PR. वेरी इजी टू लर्न बट वेरी डिफिकल्ट टू प्रूफ. कंस्ट्रक्शन होती है इसके प्रूफ में, वी विल नॉट डू दैट. सिर्फ याद रखना कि जब हमारे पास वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर दिया होता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी किन दो साइड्स की होती है? एक तो बेस वाली साइड के इंटरसेप्ट की, और बाद दूसरा जो एंगल की आर्म्स है उनकी. अब इस क्वेश्चन को मोल्ड करके भी डाला जा सकता है पेपर में. विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? QSP इज सिमिलर टू SRP, PQR सिमिलर टू, यू कैन से PQS, कुछ भी करके डाला जा सकता है. तो आपने फटाफट से उन ट्राइंगल्स को ढूंढ लेना है सिमिलैरिटी में, जहां पे QS/SR बिकमिंग PQ/PR आना चाहिए. इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, PRS को QS/SR, RSP
एंड पी क्यू ओवर पी आर, नाउ इट बिकमिंग. सो आपने अगर प्रूफ के बीच का स्टेप इतना नहीं कॉम्प्लिकेटेड होगा, हाँ सीधे, तो ये आपने, अदरवाइज मैंने यही सोचा है कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है ना, कल का दिन लगेगा हार्डली, हम ट्राइंगल वाले चैप्टर के जितने भी हमारे पास सैंपल पेपर्स है ना, सारे सैंपल पेपर्स के क्लास में करेंगे, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि कैसे आने हैं. ठीक है, सो कोई मतलब कि ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइड की है, ये आपको सिमिलैरिटी बन के भी ऑप्शन में आ सकती है. तो आपने ये वाले रिजल्ट को रिकॉल करते हुए देखना है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं. QS over SR is equal to QP over RP. This is our result when we are having vertex angle bisector of a क्या? किसका? ट्राइंगल का. अब देखना जरा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9th, इसका कन्वर्स है. 9th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ऊपर से हमने एक बाइसेक्टर डाला वर्टेक्स का, इस कंडीशन के साथ कि बेस के जो इंटरसेप्ट है उनकी रेशियो, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल. अगर ये होता है BD ओवर DC, दिस इज इक्वल टू AB ओवर AC, इस कंडीशन को अगर हमें ये कंडीशन दी हो, तो डेफिनेटली दिस AD इज गोइंग टू बी बाइसेक्टर ऑफ BAC. वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर, वहां पे क्या था? बाइसेक्टर दिया हुआ था, रेशियो निकल गई. यहाँ पे रेशियो दी हुई है, बाइसेक्टर बनेगा. बोथ आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर. इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, किसी भी तरह एमसीक्यू इसका फॉर्म हो सकता है. याद रखना, अगर हमारे पास बाइसेक्टर है तो ये वाली साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी इक्वल होगी, और अगर हमारे पास ये वाली साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी है, देन दिस इज गोइंग टू बी द बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स एंगल. इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अदरवाइज भावना, जस्ट टू कवर कि आपने जो कहा कि बीच में कुछ आ सकता है, मैं रिटर्न इसके नोट्स होंगी, आप उसको स्टडी करना एक बार, ठीक है? पर मुझे ये लगता है कि ज्यादा इतना बर्डन भी इसकी लेने की, अगला रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2. आपने देखा जितने भी आपके पास वो है सैंपल पेपर, उसमें से ऑप्शनल में से दिए हुए हैं काफी एमसीक्यू. डी इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज, नेचुरली एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से ऑपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर डाले गए. देखो जरा ध्यान से, डीएन इज परपेंडिकुलर टू बीसी, डीएम सॉरी, एंड डीएन इज परपेंडिकुलर टू एबी. राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट लेते हुए, उस पॉइंट से बची हुई साइड्स पे दो परपेंडिकुलर डाले, वन इज डीएन विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एंड अनदर इज डीएन विच इज परपेंडिकुलर टू एबी. और तीसरा परपेंडिकुलर और डाला गया, उसका नाम है बीडी, एंड दैट इज ऑन एसी. बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, ठीक है? तीन परपेंडिकुलर है, एक डी से निकला जो कि हाइपोटेन्यूज पे पॉइंट है, बीसी साइड पे और एबी साइड पे. एसी साइड कहती मैं क्यों मतलब अकेली रहूं, मेरे को भी परपेंडिकुलर चाहिए. तो इसको किसने दिया परपेंडिकुलर? ऑपोजिट वर्टेक्स ने. किसने? 90 वाली वर्टेक्स ने इसको परपेंडिकुलर दे दिया. इसके रिजल्ट को याद रखने का तरीका जिगजैग मेथड है. ये मैंने ऑपोजिट वे में जेड बनाया. इस जेड में जो बीच का परपेंडिकुलर है यानी कि डीएम, उसका स्क्वेयर This is equal to ये वाली दो साइड्स का प्रोडक्ट DN into CA. याद रखना, this is opposite Z form. Opposite Z में हमारे पास जो सेंटर में होगा उसका स्क्वायर, अदरवाइज आप इसको सिमिलरिटी से प्रूव भी कर सकते हो. DM square is equal to DN into CM. ठीक है, सेम goes for the other perpendicular. यहां पे मैंने ये zigzag बना दिया. इसी रिजल्ट को अगर मैंने यहां पे अप्लाई करना हो तो क्या आंसर आएगा? dn स्क्वायर इज इक्वल टू dm इनटू a. ऐसे याद रखो आइडेंटिटी की टाइप. इसको राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से ऑपोजिट जो रिमेनिंग साइड है उनपे परपेंडिकुलर डाले, एक परपेंडिकुलर वर्टेक्स से होता हुआ हाइपोटेन्यूज पे भी गया, यानी कि एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में तीन तीन परपेंडिकुलर, देन square of the one perpendicular is equal to the product of the upper and lower intercept.
ठीक है हाँ, उसका नहीं है, दो ही रिजल्ट है हमारे पास. इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसके हम प्रूफ करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी रिजल्ट है, याद रखना मुश्किल है, और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये तो जब हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर होता था इसकी आने के 100% चांसेस होते थे. दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, एबीसी. वही एबीसी दूसरे केस में बन जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है. एक रिजल्ट करेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में, एंड सेकेंड रिजल्ट वी विल डू इन द केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अब ये रिजल्ट होता क्या है, कैसे प्रूफ होगा, विल डू. पहले इसको हम याद रख लें, थोड़ा सा प्रूफ भी करेंगे. इन दोनों ट्राइंगल में जो कि एक एक्यूट है उसमें भी एक परपेंडिकुलर डाला बीसी पे, और जो ऑब्ट्यूज है उस पे भी बीसी पे परपेंडिकुलर डाला ऑन बीसी प्रोड्यूस. बीसी प्रोड्यूस पे भी हमने इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया. तो ये रिजल्ट कहता है, पहले तो ऑब्ट्यूज वाले का सीखो, दोनों केसेस में हम ये जो एसी है देखो, पहले ये एंगल की ये दो आर्म्स हैं, ठीक है, इन आर्म्स का स्क्वायर नहीं, जो आर्म बची, एक मिनट, इधर भी यही होगी ना, एबीसी एंगल की ये दो आर्म्स हैं दोनों केसेस में, जो आर्म बची पहले ट्रायंगल में कौन सी आर्म बच रही है, एसी, उसका स्क्वायर. दूसरे ट्रायंगल में भी आर्म बच रही है एसी, उसका स्क्वायर. This is equals to जो arms हैं उनके square का sum, यानी कि AB square plus BC square minus 2 times BC into BD. करेंगे हम इसका proof, इतनी जल्दी है ज्यादा याद नहीं रहेगा. अच्छा इधर plus है, क्या कह रहे हो, ये पहले तो AC जो है वो arm नहीं है angle की, इसका square होगा. Is equal to sum of the square of the two arms of the triangle, AB square plus BC square. अगर triangle obtuse है तो plus का sign आएगा, ठीक है? Two times ये intercept BC, ये intercept BD. इधर case में result same होगा, AB square बची हुई arms का square plus BC square. Instead of plus two BC BD, we will be having minus two BC BD. These are the two results. याद कम ही रहते हैं, बहुत lengthy है, इसलिए हम इसका proof कर लेते हैं. This is in the case of obtuse angle triangle and this is in the case of acute angle triangle. देखें जरा, अगर हम इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में AC की वैल्यू निकालना चाहें तो वी ऑल नो दैट द AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. एग्री? पहला स्टेप हो गया, सबको पता चला कैसे आया, ठीक है. अब देखो राइट हैंड साइड में हमें इन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए. And you know this ADB is also a right angle triangle. Agree? इसमें हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? AD square की. AD इस ट्राइंगल का क्या है? Perpendicular. और किसी right angle triangle में perpendicular का square किसके equal होता है? Hypotenuse square minus base square. यानी कि AB square minus BD square. यानी कि ये वाला स्टेप करने के बाद हमारे पास ए बी आ गया. अब देखो मैं ब्रेक करूंगी इस डीसी को. अगर हम इस डीसी को ब्रेक करें व्हाट वी विल बी गेटिंग, बीडी प्लस बीसी का होल स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू फिगर आई हैव स्प्लिटेड इट, दिस विल इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, BD square plus BC square plus 2BD BC and BD square get cancelled, you reach the result. विनीत को लग रहा है कि कौन से तारों के देश की बातें हो रही है. बहुत हार्ड वर्क है ट्राइंगल चैप्टर में चाहिए, आई एम टेलिंग यू.
कहीं ना कहीं चॉइस हमारे काम आएगी, डोंट वरी. और कहीं ना कहीं हमें आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, हम करके जाएंगे. क्या किया हमने? पहले बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज किया, फिर छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज किया, फिर जिसको तोड़ सकते थे उसको तोड़ा, जिसमें आइडेंटिटी लगा सकते थे आइडेंटिटी लगाई, जो कट गया वो कट गया, जो बच गया वही हमारा रिजल्ट है. पीलो पानी. अब इस ट्राइंगल में भी सेम रूल लगाते हुए चलिए. ये किस केस में था? When the triangle is obtuse angle triangle. Let us do when the triangle is acute angle triangle. Same result will be followed. Instead of the product term with plus sign, we will be having the product term with minus sign. सबसे पहले AC की अगर बात करें, AC square, I would like to start with this right angle triangle. AC square is equal to AD square plus DC square. ये जो AD square है, इसकी value के लिए इस right angle triangle में shift करो. According to Pythagoras theorem, AD square will be equal to AB square minus BD square. अब किसको break करेंगे? DC को. This time how DC will be broken? BC minus BD. चलो. बस करो ब्रेक, आपका आइडेंटिटी लगाओ, यू विल गेट द आंसर. दिस विल बी बीसी माइनस बीडी होल स्क्वायर. अप्लाई द आइडेंटिटी, करो आइडेंटिटी अप्लाई. बीडी स्क्वायर कट जाएगा, यू विल बी गेटिंग एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस टू बीसी इनटू बीडी एंड हेंस रिजल्ट. हो गया माधव? सारे के सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे? अखिलेश कहता जो क्वेश्चन कराते हैं उसी को इंपॉर्टेंट कह देते हैं. इंपॉर्टेंट तो वो होते हैं कि आप छह में से कोई दो क्वेश्चन बताओगे ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पेपर में आ सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर. अभी तो एंड में नाजिमा बैठी है इस एक्सरसाइज में, वो भी तंग करती बड़ा. चलो नाजिमा वाला क्वेश्चन, चलिए नाजिमा वाला क्वेश्चन है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव, फोर्थ हो गया हमारा. अभी तो किया क्यूट में, हाँ साथ साथ डिस्कस कर लिए दोनों. कब हुआ? तारों की दुनिया की बातें हो रही है, विनीत रूप को समझ नहीं आती. देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज. ये भी रिजल्ट याद नहीं होने आपसे, इसलिए बेटर है कि हम इनके प्रूफ्स कर लें. पहला रिजल्ट हमें प्रूफ करना है इस केस में, दैट एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीसी इंटू डीएम. क्योंकि वेरी फ्रैंक अगर मैं कहूँ ना, अभी तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि ऐसे लर्न कर लो. अगर छुट्टी टाइम तक मैं भी सोचूं मुझे भी भूल जाता है कि रिजल्ट क्या था. मुश्किल है थोड़ा, क्या करें हम. जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको, जैसे आपने कभी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद की थी ना, वैसे याद कर लो. जो नहीं मुश्किल उनका हमने किया ही है साथ साथ चैप्टर प्रूफ कर लो. पहले तो क्वेश्चन समझो क्या है. कहता कि एक हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी जिसमें कि एडी मीडियन है, एएम परपेंडिकुलर है. ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें परपेंडिकुलर एंड मीडियन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा. याद करने की जरूरत भी मत करना, नहीं याद होगा. चलिए हम शुरू करते हैं एसी स्क्वायर से, जो कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल का. अप्लाई करें यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. अब इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ, मुझे AM को गायब करना है, AD मुझे अपने प्रूफ में चाहिए. हाउ आई कैन राइट AM स्क्वायर? AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर. ये AC में चला
हाँ जी एमसी को अगर हम चेंज करें एमडी प्लस पीसी में तो बात बन सकती है। एमडी हमें चाहिए नहीं, मेरे को देखने दो एमसी स्क्वायर को स्प्लिट करना करें कि एमडी को, ये मुझे देखने दो एमडी को करेंगे तो बीएम प्लस एमडी कटिंग कुछ भी नहीं होगी फिर। एमसी को करके देखते हैं, चलो लेट अस स्प्लिट एमसी स्क्वायर एज एमडी प्लस डीसी होल स्क्वायर, एग्री? क्योंकि हमें एम डी वैसे भी प्रोडक्ट में भी चाहिए, ठीक है। चलिए लगाएं जरा फॉर्मूला, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस टू एम डी डी सी प्लस डी सी स्क्वायर। एम डी स्क्वायर कट, वी लेफ्ट विद ए डी स्क्वायर प्लस टू एम डी डी सी प्लस डी सी स्क्वायर। यहां से हमें अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को गेट करना है। AD square as it is, we need it. यहां देखो क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, दोनों ही DC, एक मिनट, DC, MD हमें चाहिए, है ना? DC नहीं चाहिए प्रोडक्ट में, तो कैन यू टेल मी DC इन टर्म्स ऑफ BC? एक मिनट, मैंने हिलने के लिए बोला सीट से, नो मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करो, मीडियन डिवाइड्स द साइड ऑन विच इट फॉल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो दिस पार्ट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ बीसी और डीसी आल्सो हाफ ऑफ बीसी। मैंने सिर्फ डीसी को रिप्लेस किया और मेरा रिजल्ट क्या नहीं पता चला, पूछो, कुछ नहीं पता चला, हाँ ये स्टेप, पहला स्टेप पता चला पाइथागोरस लगाया हमने, दूसरे स्टेप में अगेन पाइथागोरस, तीसरे स्टेप में एमसी को ब्रेक, चौथे स्टेप में मीडियन का यूज और रिजल्ट आ गया। बलजिंदर कौर, नहीं थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी तरह से सेकंड भी कल करेंगे आप, नोट करना जरा ऑनलाइन, मेरे को नाम बोलो, एक मिनट आकृति नाम बोलना, भूमिका प्रेजेंट, हरजोत प्रेजेंट, हाँ जयदित्य एब्सेंट, कव्यांश एब्सेंट, तृप्ति एब्सेंट, प्रेजेंट।